हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू किड्स लर्निंग सुप्रीति चौधरी। टुडे आवर टॉपिक इज ऑन कंजंक्शन। वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज कंजंक्शन, हाउ टू आइडेंटिफाई कंजंक्शन, यूजेस ऑफ कंजंक्शन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम। तो गाइस, सबसे पहले समझ लेते हैं कंजंक्शन के मीनिंग को। कंजंक्शन जो वर्ड है वो बना है कंजॉइन से, जिसका मतलब होता है जोड़ना। इंग्लिश के दुनिया के ये वो पंडित है, काजी है, वो फादर है, जिनका काम है रिश्ते जोड़ने का, वर्ड्स का, क्लॉजेस का, सेंटेंसेस का, फ्रेजेस का, आपस में एक रिश्ता बैठा देते हैं, उन्हें आपस में जोड़ देते हैं, ताकि जो कहने वाला जो अपनी बात कहना चाहता है वो हमें समझ में आ जाए, है ना। तो आइए एग्जाम्पल की मदद से इसे अच्छे से समझते हैं। अभिषा एंड श्रीनिका आर बेस्ट फ्रेंड्स। अगर मैं बोलूं अभिषा बस, फिर बोलूं श्रीनिका आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो कुछ समझ में नहीं आया। अब मैंने कहा अभिषा एंड श्रीनिका आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो इसका मतलब निकल के आ गया ना, है ना। तो यहां एंड और बट ने क्या काम किया, जॉइनिंग का काम किया। तो ये थे कंजंक्शन के इस्तेमाल। मुझे पूरी उम्मीद है अब तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए इस एक वीडियो के अंदर हम सभी तरह के कंजंक्शंस को डिस्कस करेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब देखिए, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा। क्या लिखा? द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहां पर दो चीजें हैं, द बुक इज और द टेबल, इनकी आपस में कोई मतलब नहीं निकल रहा था जब तक कि मैंने ऑन नहीं लगा दिया था। अब जैसे ही ऑन लगा दिया, वैसे ही समझ में आ गया कि बुक टेबल पर है। तो क्या यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल एज अ कंजंक्शन हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ऑन तो हमारी प्रीपोजिशन होती है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का, वो समझते हैं। जो प्रीपोजिशन होती है उसका काम होता है रिलेशन बताने का, यानी या तो वो टाइम बताती है, डायरेक्शन बताती है, या कोई प्लेस बताती है। ये सब हमने पढ़ा हुआ है हमारी पुरानी वीडियोस के अंदर, प्रीपोजिशन की जो है ना। तो अब यहाँ पे जो काम हो रहा है, क्या ये कोई टाइम या डायरेक्शन बता रहा है? द बुक इज ऑन द टेबल। तो जब तक यहाँ ऑन नहीं लगा था तब तक कोई बात क्लियर नहीं हो रही थी। जैसे ही सेंटेंस में मैंने ऑन लगा दिया, मेरे इमेजिनेशन में आया कि जिसमें एक टेबल है उसके ऊपर एक बुक रखी हुई है, यानी प्लेस का पता चल गया। ये हमारी प्रीपोजिशन बनी। लेकिन कंजंक्शन के केस के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं होती जिससे हमें पता चल जाए कोई टाइम का,
किसी डायरेक्शन का या किसी प्लेस का. नाउ सी द एग्जाम्पल ऑफ अभिप्सा एंड श्रीनिका आर बेस्ट फ्रेंड्स. इसमें किसी टाइम प्लेस डायरेक्शन का पता चला? बिल्कुल नहीं चला. ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल में बट लगने से किसी बात का पता चला नहीं, यानी टाइम प्लेस डायरेक्शन नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंजंक्शन का काम होता है जोर देने का. वह और कोई बात नहीं करता, जबकि प्रीपोजिशन का काम होता है रिलेशन बताने का. तो जब रिलेशन बताए वो हो गया प्रीपोजिशन, और जब कोई रिलेशन ना बताए केवल जोर दे वो हो गया कंजंक्शन. हो गया ना कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. तीन टाइप के कंजंक्शंस होते हैं. पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? इट कनेक्ट्स टू वर्ड्स और क्लॉजेस दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? इट जॉइंस अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज टू अ मेन क्लॉज. इट विल बी डिपेंडेंट. ओके, आप आगे सेंटेंस में देखोगे समझ जाओगे तब. कोरिलेटिव कंजंक्शन. इट जॉइंस वर्ड्स फ्रेजेस और क्लॉजेस दैट कैरी इक्वल इंपॉर्टेंस इन अ सेंटेंस. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो वर्ड्स है वो है फॉर एंड नॉर बट और येट सो. ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ये सारे वर्ड्स जो है यही ज्वाइन करते हैं वर्ड्स और क्लॉजेस को. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे आफ्टर एज बिकॉज बिफोर स्टिल अंटिल एज सून एज ओनली इफ इफ. अ कोरिलेटिव कंजंक्शन आई हो गया हमारे इधर और निदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ एंड. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम समझते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स देखिए. राज एंड रोहन वेंट टू सी आईपीएल. यहां पे एंड हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. आई डोंट लाइक टी नॉर डू आई लाइक कॉफी. यहां पे इस सेंटेंस में नॉर है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी आई डोंट लाइक टी, मुझे ना ही चाय पसंद है और ना ही कॉफी पसंद है. आई वेंट टू पार्क बट इट वॉज क्लोज टूडे. बट हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी मैं पार्क में गई थी लेकिन पार्क आज बंद था. तो यहाँ पे जो बट है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. शी वॉज टायर्ड येट शी डन हर होमवर्क. वो टायर्ड थी येट शी डन हर होमवर्क, लेकिन फिर भी उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया. I was hungry, so I ate mango juice. मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने मैंगो जूस पी लिया. तो सो हो गया हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग
conjunction. We all were very tired, for we walked since morning. तो गाइस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो हमेशा वर्ड्स और क्लॉज के बीच में ही होती है. ओके, नाउ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. रेन स्टार्टेड आफ्टर रीचिंग होम. ये आफ्टर हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. मेरे घर पहुंचने के तुरंत बाद ही बारिश शुरू हो गई. ही केम हियर बिफोर वी वेंट टू स्कूल. वो यहां पे आया बिफोर वी वेंट टू स्कूल, इससे पहले कि हम स्कूल तक पहुंचे. तो बिफोर यहां पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया. We will not succeed unless you work hard. या हम ऐसे भी बोल सकते थे, unless we work hard, या unless you work hard, you will not get succeed. या we will not succeed. Unless sentence के पहले भी हो सकता है in case of subordinating conjunction. Okay. I reach there as soon as rain come. As soon as subordinating conjunction हो गया. इस sentence को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, as soon as rain come, I reached there. She failed in exam because she did not study. Or we can say, she did not study because she failed in exam because she did not study. I will tell you only if you promise not to share to anybody. मैं तुम्हें बताऊंगी only if, अगर तुम मुझे वादा करोगे कि तुम ये बात किसी से शेयर नहीं करोगे. Now see correlative conjunction. Either come or go. या तो आओ या फिर चले जाओ. Neither Ram nor Rohan passed in the exam. ना ही राम और ना ही रोहन ने एग्जाम में पास किया. I am not only a singer but also a YouTuber. तो यहां पे not only and but also, ये दोनों हो गए हमारे correlative conjunction, जो हमारे words और clauses को जोड़ देते हैं. Both my uncle and my nephew are doctor. दोनों ही डॉक्टर हैं, अंकल और नेफ्यू. I ate both the sweet and ice cream. मैंने दोनों ही खाया, स्वीट और आइसक्रीम को. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर More notifications.